धनबाद में बीजेपी के उम्मीदवार ढुल्लू महतो के पक्ष में चुनाव प्रचार करने को पहुंचे झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने, और बाबूलाल मरांडी ने 400 पार का नारा बुलंद किया है। उन्होंने कहा कि कई राज्यों में बीजेपी को बढ़त मिलेगी, पीएम मोदी ने देश के लिए और गरीबों के लिए काम किया है। उन्होंने इस बीच ये भी कहा कि मोदी सरकार ने जो काम किया है जनता उसी के आधार पर वोट देगी। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी सभा को संबोधित करते हुए यहाँ पर हैं। सर, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी हैं मेरे साथ। सर, आप सभा को संबोधित कर लिए, देख लिए क्या स्थिति है 400 पार का? इस बार 400 पार प्रधानमंत्री लगातार कर रहे हैं, आप लोग भी पूरा घूम के देख रहे हैं, ये भीड़ और इस बात का एक मैसेज है। देखिये, 400 पार में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ये तो पता नहीं क्यों लोगों ने इतना हवा खड़ा कर दिया। कोई बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं है, 303 सीट तो पहले ही बीजेपी जीती हुई है और एनडीए गठबंधन के पास पहले से ही 350 से अधिक सीटें थी, तो 50 या 47 सीट को और लेना है। तो कई एक राज्यों में सीट बढ़ रही है, यूपी में सीट बढ़ रहा है, बंगाल में सीट बढ़ रहा है, साउथ में सीट बढ़ रहा है, झारखंड में भी सीट बढ़ रहा है, तो इसलिए कोई बहुत कठिन नहीं है ये सब। कांग्रेस कह रही है कि अगर 400 आप पार हो जाएंगे तो आप जो संविधान को बदल देंगे, इस बात को लेकर के क्या असर दिख रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी चूंकि वो लोग को दुष्प्रचार कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बार बार कहा है, अगर आज एक चाय बेचने वाले अगर देश के प्रधानमंत्री है तो ड्यू टू भारत के संविधान के कारण, इसलिए बदलने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, उसको तो और मजबूत करेंगे। इसलिए आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी के राज्य में जितना निष्पक्ष चुनाव होता है, बाकी के राज्य में तो कहाँ चुनाव होता है, केरल में क्या होता है, बंगाल में बाकी क्या होता है, किसी से छुपा हुआ नहीं। बिहार में भी जब लालू का राज था उस समय क्या होता था चुनाव की, तो ये लोग जो बात करते हैं संविधान की रक्षा की तो सिर्फ और सिर्फ ये लोग ड्रामा करते हैं और कुछ नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के तो एक एक कार्यकर्ता उसको हृदय से मानते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी हम सरीखे लोग हम लोग मानते हैं, अगर आज हम इस प्रदेश में एमएलए हैं, मुख्यमंत्री बने, तो ड्यू टू भारत के संविधान के कारण। लोकतंत्र नहीं होता, संविधान नहीं होता, तो हमारे जैसे लोगों के लिए कहाँ जगह होता, ढुल्लू महतो जैसे लोगों के लिए कहाँ जगह होता, फिर कौन लोग राजा महाराजा लोग थे। जेएमएम हुआ नहीं है, जेएमएम कह रही है कि जेल का ताला टूटेगा, हमने कहा कि इसका मतलब संविधान के बियॉन्ड वो जा रहे हैं। और मैंने तो एक दो बात अभी भी मैंने कहा, मैं तो आपसे भी कहूंगा क्या विधानसभा को क्लिप निकाल लीजिए। कल्पना सोरेन कह रही है, जेएमएम के लोग कह रहे हैं कि इसे हेमंत सोरेन को फंसाया, भाई आप भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देंगे, राज्य को लुटवाएंगे तो आपको जेल जाना ही पड़ेगा ना। सीपी सिंह ने विधानसभा में भारी सभा में खड़े होकर के उन्होंने कहा उस समय जो रांची के डीसी थे उसके ऊपर कि भाई बंदूक के लाइसेंस बनाने में 3 लाख से 5 लाख रुपया लेते हैं, तब वो लाइसेंस देते हैं, और उन्हें चुनौती दिया। और उसके बाद हेमंत सोरेन चुप रहे, ना जांच नहीं करवाए। मैं तो कई बार लोगों को कहता, अगर हम मुख्यमंत्री होते तो उसी समय हम चेंबर जाते, चीफ सेक्रेटरी को बुलाते, डीजी को बुलाते, होम सेक्रेटरी को बुलाते और कहते कि जांच करो और शाम तक इस पर कार्रवाई हो। कांग्रेस लगातार कहती है कि चुनाव के वक्त में हमारे नेताओं को जानबूझकर बदनाम करने के लिए फंसा रहे हैं। अरे भैया, 35 करोड़ रुपया किसके पास मिला, 3.5 करोड़ रुपया, 350 करोड़ रुपया किसके पास मिला नोटों का गड्ढी, वो भी तो बताओ ना। ये थे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी, इन्होंने साफ तौर से कहा है कि जो स्थिति है उस स्थिति में 400 पार का जो टारगेट है वो कम है, हो सकता है क्योंकि इससे पहले भी 350 हमारे पास है, सब मिला कर देखें तो अब जो है उसमें पार करने में कोई मुश्किलें नहीं है, हमारी जो तैयारी है पूरी है। अब देखिए लोगों को जो दिग्भ्रमित करने की कोशिश किया जा रहा है उसमें आप ना पड़े। धनबाद से कैमरामैन अभय के साथ अमर सिंह, न्यूज 11 भारत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।